नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के दिन बना अद्भुत महाशुभ संयोग। 12 राशियों में से 4 राशियां होंगी मालामाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग में 12 राशियों में से 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। ये चारों राशि महाशिवरात्रि के दिन करोड़पति बनने वाली है। ये 4 राशि वाले महाशिवरात्रि के दिन धन से मालामाल होने वाले हैं। स्वयं देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ अब इन 4 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं। अब इन 4 राशि वालों के जीवन में आने वाली है खुशखबरी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये खुशनसीब भाग्यशाली 4 राशियां कौन कौन सी है जो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन धन से मालामाल होने वाली है। ये 4 राशि वाले अब धन से मालामाल होंगी। इन 4 राशि वालों को अब मालामाल होने से, करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इस वीडियो में आपको 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको बता दें, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ और देवी मां पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का महापर्व 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को है। मान्यता है कि इस दिन को जो पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव शंभु की आराधना करता है, उसे उत्तम जीवन साथी मिलता है और साथ ही साथ धन, संतान, स्वास्थ्य संबंधित हर परेशानी का भी अंत हो जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें भगवान शिव की उपासना का आपको शीघ्र फल मिलेगा। भगवान भोलेनाथ इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जानकारों के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर शनि और उनके पिता सूर्य दोनों कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शनि सूर्य की युति में कई राशियों पर इनका असर देखने को मिलेगा, परंतु 12 राशियों में से 4 राशि वाले बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। आपको बता दें, 12 राशियों में से इन 4 राशियों वालों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। वही भौतिक सुकून और सुंदरता के देवता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस संयोग में कैलाश निवासी शिव शंभु की उपासना, ग्रहों की शुभता मिलेगी। शनि सूर्य की युति से जिनकी कुंडली पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वो इसी दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें, इससे समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शिव की महिमा निराली है। भगवान भोलेनाथ की उपासना करने वाली देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यहाँ तक राक्षस, भूत, प्रेत, सभी को उनका आशीर्वाद मिला है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर किसी ऐसी शिवलिंग को
दूध से अभिषेक जरूर करें जहाँ लंबे समय से पूजा ना हुई हो। मान्यता है इसे हर तरह का दोष जैसे पितृदोष ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इस दौरान आप भगवान शिव के पंचाक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन आप भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोस्तों आपको बता दें महाशिवरात्रि की महापर्व पर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप मंदिर को स्वच्छ जल से साफ करें। मंदिर को स्वच्छ करके जो मंदिर का स्थान है उसको भी स्वच्छ कर ले। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में मिट्टी के लोटे में पानी या फिर दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र आक दतुरा के फूल चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद शिव पुराण का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। पूजा पाठ करने के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल चावल और घी की मिश्रित आहुति दें। ऐसा करने से भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें इसी दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन दुर्लभ संयोग में जो 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है ये 4 राशि वाले धन से मालामाल होंगे। अब बात करते हैं उन 4 राशियों के बारे में। उन 4 राशियों में से जो पहली राशि जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है महाशिवरात्रि पर वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें इस बार महाशिवरात्रि पर मेष राशि वालों पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनी रहेगी जिससे आपको इस समय में धन लाभ प्राप्ति की अधिक से अधिक संभावना है। साथ ही साथ में इस राशि वाले लोगों के व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। जो व्यक्ति विदेश में नौकरी करना चाहता है उन व्यक्तियों को विदेश में नौकरी प्राप्त होने की संभावना भी लगभग बन चुकी है। भगवान शिव की कृपा से समस्त मनोकामनाएं मेष राशि वालों आपकी पूर्ण होने वाली है। व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापार करते हैं व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। यूं कहें कि आपके समस्त कार्य बनने वाले हैं, धन लाभ प्राप्ति के योग हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा इसलिए मेष राशि वालों इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। इस लिस्ट में जो दूसरी राशि आती है दोस्तों वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों आपको बता दें इस बार की जो महाशिवरात्रि है आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। भगवान महादेव आपके ऊपर यानी तुला राशि वालों के ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। साथ ही साथ आपको अवसर भी प्राप्त होंगे। इन अवसरों को पाकर आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के नए संसाधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको धन लाभ प्राप्ति करने के भी योग बनेंगे। चारों तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेगी। आपको घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक
क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से अचानक धन लाभ प्राप्ति की संभावना है, जिससे घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नया वाहन या फिर मकान भी खरीद सकते हैं। इसके लिए शुभ संयोग, शुभ योग तुला राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। महादेव की कृपा से इस बार महाशिवरात्रि पर आपको विशेष रूप से समय का लाभ उठाएं। तीसरी राशि दोस्तों यहाँ पर जिस पर भगवान महादेव की कृपा होगी महाशिवरात्रि पर, वो है कुंभ राशि। आपको बता दें भगवान महादेव की कृपा से इस बार महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। पहले से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, साथ ही साथ परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। भगवान शिव की कृपा कुंभ राशि वालों पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे अब दूर होंगी और साथ ही साथ आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वे अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे, क्योंकि महादेव की कृपा से कुंभ राशि वालों पर जो शिवरात्रि को है आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे घर परिवार में आपकी खुशियां ही खुशियां आएंगी। नौकरी करने वालों की पदोन्नति मिल सकती है, साथ ही साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू करिए। महादेव की कृपा से अब आपको हर कार्य में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। चौथी राशि दोस्तों यहाँ पर आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों आपको बता दें कि महादेव की कृपा से इस बार की जो महाशिवरात्रि है आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि महादेव की कृपा से कन्या राशि वालों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको न केवल धन लाभ होगा बल्कि आपको व्यापार में भी खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आपके पास, और साथ ही साथ इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में तरक्की मिलने के पूरे योग हैं, और साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं वे सपने उनके अब जल्दी ही पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे, आपको धन लाभ प्राप्त होगा, आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित ये समय आपके लिए अत्यंत लाभ देने वाला रहेगा। समय का भरपूर लाभ उठाएं। कन्या राशि वालों, क्योंकि देवों के देव महादेव आपकी राशि वालों के ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों महादेव की कृपा से ये थी वो चार राशियां जो कि शिवरात्रि के दिन मालामाल होगी, किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, इनकी लॉटरी लगेगी। इन चार राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये धन से मालामाल होगी। भगवान शिव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंभू की।